दौसा में सांसद जसकौर मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरक्षण वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ ये कहा था कि सक्षम लोग छात्रवृत्ति और सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि छोड़े जिससे गरीबों का भला हो। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और वहीं जसकौर मीणा ने ERCP को लेकर भी कहा कि गहलोत सरकार बैसाखी के सहारे चल रही है। बैसाखी को बचाने के लिए केंद्र सरकार पर आए दिन हमले करते हैं। और मीना है आरक्षण पर आर पार की लड़ाई जारी है। बीजेपी और कांग्रेस में बयानों का दौर जारी है। हमारे साथ में दौसा सांसद जसकौर मीणा है, हम उनसे ही बात करते हैं। आखिर आरक्षण के मुद्दे पर क्या बयान दिया था मैडम ने, हम उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं, जिसके बाद में राजस्थान की राजनीति में एक भूचाल सा छाया हुआ है। मैडम, राजस्थान की राजनीति में आरक्षण के बारे में आपने बयान दिया था, उसके बाद में एक बीजेपी और कांग्रेस में एक बयानों के बाद बयान आना, क्या करेंगे? देखिए, आरक्षण के मुद्दे पे हमारा कोई वक्तव्य नहीं था। मेरा वक्तव्य केवल मात्र छात्रवृत्ति और अनुदान की राशि को लेकर था कि हम सक्षम लोग छात्रवृत्ति और अनुदान की राशि का प्रत्याग करें। जिस तरह से हमारा भारत सरकार ने गैस के कनेक्शन की सब्सिडी को छोड़ने की अपील की, लाखों लोगों ने छोड़ी, उसी के कारण हमारे जनजाति के भाइयों को ग्रामीण इलाके में गैस के कनेक्शन मिले। और ये केवल मात्र नेता ऐसे हैं जो अपनी TRP बढ़ाने के लिए मेरे वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मुझे अफसोस है, बड़ा दुख हुआ मुझे भी कि इनकी बौद्धिक स्तर ये था कि इन्होंने कैसे ले लिया। मैं आरक्षित सीट से चुनाव लड़ी, मीणा जाति में पैदा हुई, गर्व है मुझे कि मैं इस जाति में पैदा होकर भी सर्व समाज के लिए काम करती हूँ। और मैं आपको ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ये इस तरह से जो वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, ये उनकी अपनी सोची समझी चाल है, क्योंकि वो सदा ऐसा ही करती रही। हर मीणा जाति के नेताओं के पीछे हमेशा इसी तरह के पड़े रहते हैं, खुद अपने अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, चाहे वो योग्य हो चाहे ना हो। ERCP को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री में भी बयान है। ERCP गहलोत जी केवल वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। बैसाखी पर उनकी सरकार है और बैसाखी को संभालने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना करना उनका रोज का काम है, हम विश्वास नहीं करते। यदि दौसा सांसद जसकौर मीणा, उनसे हमारी खास बातचीत हुई है। प्रिंस पारिक, इंडिया न्यूज़, दौसा।